ये एक केस है जिसमें बहुत ही सीवियर फुट की डिफॉर्मिटी हो चुकी है। इनका लेफ़्ट पैर में प्रॉब्लम है और आप देख रहे हैं किस तरह से ये चल रही हैं। इनकी एड़ी नीचे ज़मीन में छूती नहीं है क्योंकि पीछे का जो टेंडन है वो काफ़ी टाइट हो चुका है और पैर अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहा है क्योंकि अंदर का टेंडन ने पैर को अंदर की तरफ पुल कर रहा है। आप देख रहे हैं एड़ी बिल्कुल नहीं छू रही है और थोड़ा सा एक बार इनका चलने का तरीका और दिखा दूं आप लोगों को कि किस डिफ़िकल्टी से ये चल पा रही हैं और इन्होंने 2-3 साल ऐसे ही गुजारे हैं इस तरह से चलकर। हाय, दिस इज़ डॉक्टर अदनान फिरोज एंड आई एम अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एट फिरोज हॉस्पिटल अलीगढ़। आज हमारे साथ पेशेंट जो है ये काफ़ी सीवियर केस है इनका फुट का और इनको 3 साल से ये प्रॉब्लम है। जो फुट में डिफॉर्मिटी आप देख रहे हैं ये कम्प्लीटली फिक्स्ड हो चुका है। पास ऑफ फोकस करो तो ये फुट जो है इनका 3 ईयर्स से प्रॉब्ली इनका जो 2020 में यहाँ पे इनका एक्सीडेंट हो गया था, नी इंजरी हुई थी। तो जब नी इंजरी हुई थी और वैस्कुलर सप्लाई भी इनका ख़त्म हो चुका था, एक बार करवट लेना अनुष्का, तो ये पूरा वैस्कुलर सप्लाई इनका यहाँ से डैमेज हो गया था जब एक्सीडेंट होता 2020 में। तो ये वैस्कुलर ग्राफ्टिंग करी गई थी, स्किन ग्राफ्टिंग भी करी गई है यहाँ पे और साथ में इनका जो प्लेट्स जो फ्रैक्चर हुआ था टिबिया में उसमें भी प्लेट्स लगाई थी। ये सब 2020 में हुआ था और उसी वक्त इनका जो है जब ऑपरेशन के बाद प्लास्टर लगाया गया और जो कि तकरीबन 1-1.5 महीना 2 महीना रहा प्लास्टर या 3 महीना 2 महीने प्लास्टर रहा था। उसी वक्त जब ये सब इंजरीज हुई और सब ऑपरेशन हुए थे तो ये नर्व जो है इनकी उसमें भी डैमेज हो गई थी जिसकी वजह से इनका फुट ड्रॉप हुआ और इनको पता जब चला जब ये बैंडेजेस वगैरह सब हटी थी तभी पता चला होगा कि चल नहीं रहा पैर तुम्हारा। तो फुट ड्रॉप की वजह से इनका पैर जो है ये सीवियरली डिफॉर्म्ड हो चुका है और ये अंदर की तरफ जा रहा है ये पूरा। यहाँ से फोकस करो तो यह प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये पैर को ऊपर चला नहीं पा रही है और ऊपर इसलिए नहीं चला पा रही है क्योंकि इनकी जो नर्व सप्लाई है जो आगे की मसल्स को सप्लाई कर रही है वो कम्प्लीटली डेड हो चुकी है। दूसरी चीज़ जो इनका टेंडन है जो टिबियलिस पोस्टीरियर टेंडन यहाँ से जाता है उसका काम होता है पैर को अंदर की तरफ ले जाना क्योंकि इनकी कोई भी मसल्स बाहर की काम नहीं कर रही हैं और सामने काम नहीं कर रही हैं, सिर्फ एक ही मसल काम कर रही है। तो इस टेंडन ने करा क्या है, इनका पैर को अंदर की तरफ ले गया है। और दूसरी प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम हो रही है कि इनका जो टेंडन है यहाँ से जिसे हम टेंडो एकिलिस कहते हैं ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है जिसकी वजह से पैर इक्वाइनस डिफॉर्मिटी में चला गया है। तो इस सर्जरी में हम लोग जो आज इनके ऑपरेशन प्लान करने वाले हैं करेंगे क्या, हल्का सा करवट लेना है। तो सबसे पहले काम हम लोग यहाँ से टेंडन जो है इसकी लेंथनिंग करने वाले हैं। अब क्योंकि यहाँ पे स्किन जो है बहुत अनहेल्दी स्किन है हम यहाँ तक नहीं जा सकते, हम लोग को सिर्फ इससे इतने ही से काम में करना पड़ेगा। यहीं तक इंसीजन हम बनाएंगे, सर्जिकल इंसीजन, और यहीं से इस टेंडन को हम लंबा कर देंगे। जब इस टेंडन को लंबा कर देंगे इसके बाद ये जो पैर की जो डिफॉर्मिटी है एक्वाइनस वो काफ़ी हद तक करेक्ट हो जाती है। दूसरा स्टेप उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो इनका पैर जो अंदर की तरफ जा रहा है वो जितने भी मसल्स होती हैं अंदर की तरफ वो सब इनकी टाइट हो चुकी हैं। तो ये मसल्स को जितने भी हैं हम लोग रिलीज़ करेंगे यहाँ से और टिबियलिस पोस्टीरियर जो टेंडन है वो भी रिलीज़ करने वाले हैं और जॉइंट को भी थोड़ा सा रिलीज़ करेंगे। ये जो जोड़ होता है यहाँ पे उसको भी थोड़ा ढीला करना पड़ता है जिसके बाद इनका पैर जो है सीधा हो जाएगा। अभी अगर मैं कोशिश भी करूँ यह सीधा नहीं हो रहा, प्रॉब्ली इसलिए क्योंकि इनके टेंडन्स दर्द हो रहे हैं, टेंडन्स टाइट बहुत ज़्यादा है। तो रिलीज़ करते ही इनका सीधा हो जाएगा, उम्मीद तो ये है। और जो टेंडन हम लोग लेंगे यहाँ से उसको मैं ट्रांसफ़र भी कर देता हूँ यहाँ पे, और कि इनका पैर अगर टेंडन काम कर रहा है तो पैर वापस चलने भी लगे। प्लास्टर 1.5 महीने का लगेगा और 1.5 महीने बाद हम प्लास्टर हटाएंगे और देखेंगे कितने इम्प्रूवमेंट्स आएंगे। फिंगर्स चलाना, फिंगर्स चल रही है, ऊपर ले जाओ, ऊपर नहीं जाती है दोबारा पैर को। स्टॉप कर।